गंदे दिमाग से सोचे, अजीब सी चुंदर फंसा दिया मेरे गले के अंदर, ना उगला जाए ना निकला जाए। शादी करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। मुझे लगा मैं तुम्हें जानती हूं। पर तुम तो भाभी बनकर बिल्कुल बदल गई। और इस सनम को तो मैं वाकई बिल्कुल नहीं जानती। जो मेरे भाई को मेरे माँ के खिलाफ बरगला रही है, अब क्यों नहीं उसे फैला रही हो तुम? अब किस बात का मातम मना रही हो? आखिर मसला क्या है यार आयजा, क्यों रो रही हो तुम? दो मिनट के लिए बैठ के आराम से काम नहीं कर सकते उस कमरे में? जिंदगी अजाब बना दी तुमने। जिंदगी तो तुमने अजाब बना दी है मेरी। शादी की थी तुमने मुझसे, ताकि मेरी बेकदरी कर सको तुम। कदर तुमने अपने खुद खोई है। वही बकवास, वही शिकवा, वही सब कुछ। यार मैं थक गया हूं ऐसा। मैं कब तक तुम्हारे घुटने लगे दिलजोई करता रहूं? कब तक? समझाओ मुझे। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं।
बहुत सारे काम। और मेरे काम के बीच में तुम एक रुकावट बन रही हो, समझ रही हो? मुझे अब ये रुकावट नहीं झेलनी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जब रिश्ते एक अजाब बन जाते हैं तो बेहतर है कि रिश्तों को खत्म कर दिया जाए उससे पहले कि इंसान खत्म हो जाए। रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। हेलो। हाँ हेलो हानिया, मैं फारस बात कर रहा हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक नहीं, मेरा मतलब यार, मतलब अंकल का कोई जवाब नहीं आया अभी तक प्रपोजल को लेके, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा बस घबरा रहा था कि कहीं अगर उन्होंने मना कर दिया तो।
हानिया, हानिया हेलो। हाँ सुन रही हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं क्या बोलूँ? कुछ भी पॉजिटिव फॉर अ स्टार्ट। हानिया हेलो, हानिया देखो फारिस, मैं तुम्हें किसी बात की उम्मीद नहीं दिलाना चाहती और मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में किसी भी बात का इल्जाम मुझे दो। इस रिश्ते के बारे में जो फैसला अब्बू का होगा वही मेरा होगा। एक बाप अपनी बेटियों के लिए बुरा तो नहीं सोच सकता ना? अगर वो इस रिश्ते से मना कर देंगे तो मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। देखो फारिस, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन तुमसे ज्यादा मैं अपने अब्बू की इज्जत करती हूँ। इसलिए जो फैसला उनका होगा वही मेरा होगा। इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती नहीं देखी बॉस। भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? कहीं खुदा ना खास्ता फिर किसी बेटी का कोई मसला? तो फिर तुम्हें क्या लगता है नम्मा, बाप सिर्फ हमेशा बेटियों के दुख पर रोते?
नहीं। कभी कभार बेटियों का बेपना प्यार भी अश्कबार कर देता है। मेरी बेटियों को सलामत रखे। अल्लाह पाक हर बेटी को आप जैसा बाप दे भाई, हर बेटी को आप जैसा बाप दे। बात करना बनता तो नहीं है। तुमने जिद की, हम चले गए। उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो क्या और कब जवाब देते हैं। हम उन्हें जवाब के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी हानिया कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है जिसके लिए तुम इतना जज्बाती हो। मेरे लिए है। मेरे लिए वो दुनिया की आखिरी लड़की है और मैं उसी को अपनाना चाहता हूँ। लेक साहब इनकार कर देंगे तो कैसे अपनाओगे? वो कभी इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने टाइम सोचने के लिए नहीं, इनकार की वजह ढूंढने के लिए मांगा है। आप क्यों टेंशन दे रही हैं? जो सच है वो बता रही हूं। सच ये नहीं। तुम क्यों उसे झूठी तसल्लियां दे रहे हो? मैं उसे हर्ट नहीं कर रहा और किसी और को करने भी नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? लाइक साहब को जबरदस्ती हाँ करने पर मजबूर करोगे? जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन उनसे बात करूं। तुम फिक्र मत करो, मैं फिजा से बात करूं। सब ठीक हो जाए। इट्स इनसेन, मैं काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं। मैंने सोच लिया डर, बहुत हो गया। मैं ये मजीद टेंशन नहीं पाल सकता। कैन और आप जिंदगी अजाब बना दी तुमने।
कदर तुमने अपने खुद खोई है। वही बकवास, वही शिकवा, वही सब कुछ, यार मैं थक गया हूं आयजा। मैं कब तक तुम्हारे घुटने लगे दिलजोई करता रहूं? मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं और मेरे काम के बीच में तुम एक रुकावट बन रही हो। मुझे अब ये रुकावट नहीं झेलनी। मैं ये कह रहा हूं कि जब रिश्ते एक अजाब बन जाते हैं तो बेहतर है कि रिश्तों को खत्म कर दिया जाए उससे पहले कि इंसान खत्म हो जाए। मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। तुम ऑफ नहीं लिया करो यार, तुम अंदाजा में कितना बोर हुआ था, मेरा दिन कितना बुरा गुजरा था, कुछ पता है तुम्हें? पता तो रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मुझे नहीं परवाह तुम्हारी तबीयत ठीक थी कि नहीं। तुम ऑफ नहीं ले सकती हो। क्या हो गया सार? किसी की इतनी आदत होना भी अच्छी बात नहीं है। चलो फर्ज करो, अगर कल को तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं गुजरता, एक घंटा नहीं गुजर सकता, एक पल नहीं गुजारा जाता तुम्हें। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, कोई वजह नहीं पैदा हो सकती है जो मुझे मजबूर करे इस रिश्ते को तोड़ने में। तंग आ गया हूं मैं डैड, बिल्कुल तंग आ चुका हूं मैं। मैंने शादी इसलिए की थी, इसलिए क्या क्या सोचा था मैंने कि जिंदगी क्या होगी, किस तरह होगी, और आयजा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रिलैक्स बेटा, मैंने तुमको पहले भी समझाया है, इस तरह की छोटी छोटी बातें अपने जहन पर सवार करना छोड़ दो। ये छोटी बात है डैड,
आप इसे छोटी बात कहते हैं? वो हर वक्त मजलूम की तरह फिरती रहती है, हर वक्त रोती रहती है। मुझे लगता है कि मैं उस पर जुल्म कर रहा हूं, मैं इस गिल्ट में रहता हूं। जिस औरत से मोहब्बत की जाती है उसको इस तरह नहीं देख सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे टेंशन होती है उसे देख के। इट्स इनसेन, मैं काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं। मैंने सोच लिया डर, बहुत हो गया, मैं ये मजीद टेंशन नहीं पाल सकता। क्या नौ रहा? जो रिश्ता नहीं चल सकता उससे बेहतर खत्म कर दिया जाए। ये तुम क्या कह रहे हो साद? ये देखो, ये इतनी मामूली बात नहीं है, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। नहीं डार, जो रिश्ता चल ही नहीं सकता उसको खत्म कर देना चाहिए। कम से कम एवरीडे बकवास से तो आपकी जान छुटेगी ना। मेरी कल एक मीटिंग है इस्लामाबाद में, वहां से वापस आके उससे बात करूंगा। ठीक है, नहीं शायद तब तक तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाए और तुम अपना फैसला बदल दो। टेक इट इजी, अभी जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ करना है यार। इरम, ना फाइक मुझसे बात कर रहे हैं और ना तुम कुछ बोल रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मुजरिम हूं या फिर मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ने मुझसे तालुक ही खत्म कर दिया। इसकी वजह तुम्हारी अपनी हरकतें हैं। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, फिर तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें शुरू हो जाती हैं। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर या तुम पर कोई भरोसा नहीं। मामा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम जितनी मासूम लगती हो ना उतनी हो नहीं। जब तुमने मेरे खिलाफ फैसला कर ही लिया तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, बात करने का वाकई कोई फायदा नहीं, इसलिए जाओ अपना काम करो जाके और हमें सुकून से रहने दो।
काफी दिन हो गए, अंकल ने फारिस के प्रपोजल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी प्रेशर में आके फैसला करें। बेटियों के मामले में बाप बहुत कॉन्शियस होते हैं और मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि जो भी फैसला होगा उनकी मर्जी का होगा, मैं उनसे नहीं पूछूंगी। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन फारिस बहुत परेशान है। ऑफिस में काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहा। तुम अंकल को अपनी ओपिनियन तो बता सकते हो, उसके बाद उनके लिए आसानी होगी फैसला करने में। एक बात की गारंटी मैं लेता हूं कि हानिया फारिस के साथ बहुत खुश रहेगी। फारिस बहुत परेशान है। मैं जानती हूं फारिस मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे काम करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं, अंकल से बात करते हैं। अभी? हाँ, काफी दिन हो गए हैं, तुम भी घर नहीं गई और मैं नहीं चाहता कि वक्त हाथ से निकल जाए, जितनी जल्दी हो बेहतर है। चलें ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम दोनों को आज यहां देख के ना बहुत दिल खुश हो रहा है। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुम लोगों ने। दरअसल कबू हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि एक ही बार मिठाई लेकर आएंगे, लेकिन हम फिर खुद ही आ गए आपका जवाब पूछने। और मुझसे पूछे तो फिजा बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रही कि किस हैसियत से शादी पर आएगी, फारिस की भाभी या आनिया की बहन होने के नाते। क्या हुआ? आप चुप क्यों? नहीं बेटा, बुरा नहीं मानना। मगर हमारे खानदान में किसी एक ही घर में दो बेटियां नहीं दी जाती। अल्लाह ना करे अगर एक जोड़े में कोई अनबन हो जाए ना, तो उसका असर दूसरे जोड़े में भी पड़ता है। तो इसलिए बेटा माफ करना, मुझे ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगता। हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे,
और आजकल जमाना वो नहीं रहा, जमाना बदल चुका है। कहाँ का इंसाफ है कि किसी तीसरे शख्स के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी जाए, चाहे वो उसका भाई हो या बहन। पॉमस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। फारिस नेचर वाइज बहुत अच्छा लड़का है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा देवर है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं दोनों को जानती हूं। वो हानिया को बहुत खुश रखेगा, और आप खुद सोचें, हानिया जिस माही मुंडे वाली हालत में घूमती है, जो हुलिया बना के रखती है, वो कौन लड़का पसंद करता है। लेकिन फारिस ने उसका दिल देखा है, वो उसको वाकई में बहुत खुश रखेगा। अबू आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं। हानिया को उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मुझ पर भरोसा है। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटों की जगह हो। तो बस फिर मेरी बात मान ले। तो फिर ये समझे कि मैं यहाँ फारिस का भाई नहीं, हानिया का बड़ा भाई बनकर आया। आप ठंडे दिमाग से फैसला कीजिए। इनकार मत कीजिएगा। चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली।